मुझे लड़के पसंद है। अरे नहीं है, स्टोरी डाल डाल रहा हूँ बहन। तू ये कैसी बातें बोल देता है तू कभी? अच्छे होते हैं, सिर्फ बुरा थोड़ी है उनमें। हम भी तो वही हैं। क्या तू अच्छा नहीं है? थिक लड़कियां हैं हम। यार हमारी मोनेटाइजेशन ऑन है, पब्लिक भी है, लोग क्यों नहीं आ रहे? बुरा लग रहा मुझे, लेट हो भाई। भाई। हाँ लेट है हम तो क्या हो गया, थोड़ी देर और कर लेंगे, मतलब वही 12 बजे तक, 20 मिनट। 20 मिनट हाँ मेरी नहीं खींचेगा? तेरी आ तो गई मेरे साथ साथ। ये देख रहे हो? हेलो, मैं अभी गुलाबो ही सुन रहा था भाई। एक बंदा है वो गुलाबो सुन रहा था अभी। सही है भाई, She said, मैं retarded हो गया हूँ, मुझको दो के बाद काउंटिंग नहीं आती, क्या होता है नंबर थ्री? I said, जानना नहीं कि तू दुश्मन नहीं, और मैं जानता नहीं मुझे आती नहीं काउंटिंग। I don't know what's 2 plus 2 and I know कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेने में ही भला मेरा। 95 बिजनेस पावर। हेलो लेडीज, भाई पापा, लेडीज के ऊपर बात कर ही लेते हैं आज। हम थोड़ा पिंक माहौल बन रहा है ना, लेट्स टॉक अबाउट द, मतलब आज ना हम औरतों की साइड लेते हैं। औरतों की साइड लेते हैं? हाँ। हमने कब नहीं ली औरतों की साइड, पहले तो ये बता दे। जब हम लोगों का सीन हो गया था रास्ता सोशल्स में, जब दो लड़कियों की लड़ाई हो रही थी और हम लोग बस हंस रहे थे भाई, तो मतलब ठीक है यार। रिवील लड़कियों की साइड हमने कब नहीं ली? एवरी मेट्रो राइड। एक बंदा बोल रहा है किस यार, नहीं किस कैम, अभी ये सब नहीं करना भाई। बप्पा क्या ही लग रहा है भाई, है ना भाई? अच्छा लगता भाई, है भाई 10 लाख की सुपर चैट आएगी फिर तो कर सकते हैं। क्या किस? नहीं पागल है क्या? 10 लाख कौन दे रहा है बहनचोद? एक में ही बिक जाएगा। एक में ही कर लेते हैं। 10 लाख दिया तो फिर तो बहनचो टैक्स इतना ज्यादा कटेगा कि बहनचो हाथ में ही बहनचो कुछ ऐसी है। इन सुपर चैटों में भी टैक्स कटता है। हाँ भाई 10 लाख तो कोई नहीं देगा भाई। द टेंशन, अबे टेंशन की स्पेलिंग गलत लिखी है तूने, तूने टेंशन और ट्यूशन को मिक्स कर दिया, मतलब वही बात हो गई। चलो भाई पप्पा, हाउ वाज योर डे? भाई मेरा डे ही बहुत लेट स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इट स्टार्टेड एट 5-6 बजे, फिर मैं भाई तो चूती है क्या? मैं स्मॉल टॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कैसा क्या दिन? भाई यार मैं तो बहन जो सुबह 4 के बाद है, बहन जो 6 बजे उठा। बोलना ठीक गया था बहन जो, मैं कौन सा सही है पूछ रहा हूँ, बोल दे। हाँ भाई अच्छा गया। भाई यार तू वो है भाई, वो क्या बोलते हैं, वो स्टीव अरविंद ने बोला था ना कि भाई मगरमच्छ अच्छे होते हैं, वो आपको काटने की कोशिश करते हैं। इंसान बहन का लंडे, इंसान पहले आपसे पूछेगा आपका दिन कैसा गया, फिर बोल देगा बहन जो मैं सही में थोड़ी पूछ रहा था आपका दिन कैसा गया। अरे नहीं मतलब भाई स्मॉल टॉक ऐसा कौन वो इंसानों की, तू उन इंसानों में आता है भाई। भाई भाई एक लड़की की आवाज से प्यार हो गया, क्या करूं। एक ना चीज होती है उसका 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 वो होता है कि मतलब आपने क्या करना है। तुझे हुआ है कभी किसी की आवाज से प्यार? हाँ हुआ है, तो मैं बता तो रहा हूँ ना, अगर आपको किसी लड़की की आवाज से प्यार है, एक चीज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हल्की फुल्की कोडिंग सीखनी है और 2-4 वॉइस नोट निकलवाने उस बंदी से, भाई कोई रैप करो, ऐसे थोड़ी होता है यार भाई। कोई रैप कर, कोई रैप अभी किया तो गुलाबों का इतना बढ़िया रिमिक्स। भाई भाई बिस्तर कैसे गर्म करें? आप ना रात में बहुत सारा पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो, सुबह तक आपका ना बिस्तर मतलब आई वुड से कितना थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा सा गर्म तो हो जाना चाहिए, मतलब 15-30 सेंटीमीटर का रेडियस लगाए, 60 सेंटीमीटर रेडियस, 60 सेंटीमीटर डायमीटर का एक अच्छा खासा वो पैच बन जाएगा गर्माहट वाला। क्या हाल है पप्पा ब्रो एंड बालाजी? बहुत बढ़िया भाई, आज हम मस्ती करने आए हैं भाई। मैं भाई सबसे लास्ट याद है तुझे, तूने कब बेट करा था? हाँ कब?
मतलब मेरे को मतलब हो गया टाइम मतलब, बट आई वुड से एट्थ एट्थ में हो गया था एक बारी। एट्थ में हो गया था हाँ इतना लेट? हाँ कैसे? भाई तू बोल तो ऐसे रहा है मैं, जो असल में तो बहुत बाद में भी हुआ है, मेरे को लगा एट्थ। बट हाँ भाई हो गया है भाई, मतलब एक बारी तो ऐसे ही हो गया था, मतलब मैं कॉलेज में था, बहुत नशे में आया था घर, और उस टाइम के बाद दारू? मैंने दारू वारू बहुत पी ली थी। हाँ उसके बाद मैंने सोचा था नहीं भाई अब कम करनी है, तेरे को मैंने वो बताई थी ना कहानी, जब भाई, मैं ये मेरे साथ भी हो चुका है एक उल्टी बार, उल्टी पी ली थी और सब वो किया था, तेरे को बताया था ना मैंने जब जिंदल में हुआ था। जब तू पार्क में ही। हाँ 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 वही हाँ वाली पीने की वही वो तूने वाली। लाइफ पे बताई है? नहीं नहीं मैंने बतानी नहीं है, नहीं बता ना पर एक बार तो नहीं भाई उसके अंदर बहुत सारे नेम्स इन्वॉल्व हैं और ऐसी चीजें नेम्स मत ले ना, पर्सन नहीं, ए बट बी ऐसे सी। ऐसे पैराफिनेलिया भी तो इन्वॉल्व है ना जिसकी वजह से। देख मैं कहता हूँ सारी वो नहीं चीजें हटा देते हैं नहीं और फिर फिर वो बता पूरा ही देते खत्म हो जाएगा। अर्पित भाई कॉन्गो 100K के लिए थोड़ा लेट, थैंक यू भाई थैंक यू। भाई जी ये बप्पा इतना ब्रीडेबल क्यों लग रहा है? हैं। ब्रीडेबल मतलब कि मेरे साथ, मतलब वो अपने घर पे औरतें नहीं भेज दे अपनी नहीं मेरे घर मतलब ब्रीडेबल एज और फिर इन कि बच्चे करूँ मतलब मैं उनके साथ। हाँ मतलब इट्स लाइक तेरे जेनेटिक्स लोगों को पसंद आएंगे, कि अगर तेरे तेरे जेनेटिक्स जो हैं वो मतलब इट्स लाइक अ बून टू द सोसाइटी, अगर बप्पा ब्रीड करेगा तो फिर मतलब दुनिया का भला होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना भाई, जो हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना कहीं सोसाइटी के लिए खराब है, क्योंकि मैं तेरे को तेरे पास बिचेस आने नहीं देता हूँ जैसी हरकतें मैंने करी हैं। भाई पता नहीं यार, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे टॉक्सिक डाइटिशियन एक्स की इंस्टा पे बेइज्जती क्या? टॉक्सिक डाइटिशियन एक्स की इंस्टा पे बेइज्जती कैसे करें? पता नहीं भाई, भाई कितनी SC रिफंड गई भाई क्रिएटर भाई सॉरी भाई माफ कर दो। बोला है अर्पित भाई पार्क में मूत के सो गए, तूने बताई है क्या कहानी लाइफ पे जाके? तो नहीं, इन लोगों को क्यों पता है ये सब? मूत के तो सोया ही नहीं था। पर तू हाँ भाई अर्पित तू बप्पा से कितना बड़ा स्लैश छोटा है? भाई मैं बप्पा से 4 इंच छोटा हूँ और क्या और 2 सेंटीमीटर बड़ा हूँ भाई ले लिया टी स्ट्राइक थॉट्स हाउ टू गेट ओवर इन्फैचुएशन डोंट से गिव इट टाइम। अच्छा इन्फैचुएशन देखो भाई, इन्फैचुएशन जो है ना वो टाइम वाइम तो छोड़ो, इन्फैचुएशन जो चीज़ होती है एक तू पॉइंट के इन्फैचुएट हुआ है किसी चीज से? बहुत हर दूसरी बंदी से इन्फैचुएट ही होता नहीं, हूँ, इंसान को छोड़ के किसी मतलब नॉन इंसान चीज चीज से से। हाँ नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ों से तो नहीं नहीं होता भाई। मुझे भी करनी है पप्पा के साथ मस्ती, थैंक यू भाई कर लो भाई क्रिएटर भाई मस्ती आप। बट इन्फैचुएशन से मैंने बताऊँ क्या देखा है, टाइम तो नहीं मतलब आई फील लाइक कि जैसे मैंने, मेरे साथ ऐसा इन्फैचुएशन। होता है कि कोई भी नई चीज आती है ना मेरी जिंदगी में, मैं पागल हो जाता हूँ बहन। जैसे अभी हॉगवर्ट्स लेगेसी खेली मैंने रिसेंटली, तो भाई वही वो एक पागलपन ऐसे एक्सटेंट तक चला गया कि भाई मेरे को कि ना बप्पा पांच छह केप दिन पहन बाद के बैठ रहा हुआ भाई है, कि घर पांच पे छह दिन घुसता, बाद घर में से टूथब्रश लेके घूम भाई रहा पांच छह दिन बाद मैं गूगल कर रहा हूँ कि मेरे को माइग्रेन्स होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। हाँ और फिर मेरे को बस रियलाइज हुआ कि जैसे ही वो PS5 मैंने वापस दिया कि भाई ये बस मेरे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा देखने की वजह से हो रहा था, हाँ ठीक है, और मेरे को कुछ नहीं हुआ है। और एक्चुअल में मैं इतना ज़्यादा खेल रहा था पागलों की तरह कि हाँ क्रिएटर भाई कह रहे हैं 46 रुपीज़ दिए हैं, 46th सुपर क्या चैट है उनकी, थैंक यू क्रिएटर भाई सिक्स सुपर मीन्स अ चैट है लॉट। भाई। बट हाँ इन्फैचुएशन का ना मैं बताता हूँ, वो जो तूने बोला ना पागलपन, दैट ओनली गोज अवे जब, क्योंकि ना आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाती है फक भाई ये क्या है ना, तुम अपने दिमाग में उस चीज़ को बहुत ऊपर वाले स्तर पे रख देते हो, एंड द ओनली वे टू गेट ओवर इन्फैचुएशन इज कि आप उससे इतना ज़्यादा उसको देखो, उससे ज़्यादा इतना ज़्यादा क्रीप करो उस चीज़ से, इतने ज़्यादा क्रीपी हो जाओ कि आपको उससे घिन मचने लगे, जैसे कोई बंदी है तो फिर ऐसे तो अगर सारी उसको एडिक्शन तुमने। खत्म हो जानी चाहिए। नहीं 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 इन्फैचुएशन थोड़ी है होती है, एडिक्शन अलग चीज़ होती है। अब किसी बंदी को लेके तेरी एडिक्शन है, कितना लूजर आदमी है भाई तू, अगर तेरे बंदी एडिक्शन है नहीं भाई, मैं उस सब की बात कर रहा हूँ, वीडियो भाई वीडियो गेमिंग की बात कर रहा हूँ भाई, मैं वीडियो बेब गेमिंग की बात कर रहा हूँ। मेरी एक्स डाइटिशियन है, इंसल्टेड मी ऑन इंस्टा लाइव, व्हाट टू डू?
तुमने जाके इंस्टाग्राम पे बोल दिया घंटे भर की डाइटिशियन है, ये सिर्फ और सिर्फ ईटिंग डिसऑर्डर बनाती है, कुछ नहीं है इसका, एक एक डाइट, इसका एक एक डाइट चार्ट देख लो, इट स्क्रीम्स ऑफ फकिंग एनोरेक्सिया 47। थैंक यू भाई क्रिएटर भाई, थैंक यू क्रिएटर भाई, बस क्रिएटर भाई को थैंक यू ही करते रह जाएंगे भाई। भूपेंद्र सिंह भप्पा टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल और केकेआर वर्सेस जीटी लॉर्ड रिंकू। लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल गलत लीग के बारे में पूछ रहे हैं, चैंपियंस लीग के बारे में करो बाद में, से करनी है तो रुक जा, अब इन्फैचुएशन पे वापस आते हैं। तो मेरे हिसाब से ना, अगर तुम्हारे को इन्फैचुएशन करना है तो तुम्हारे को ना उस चीज़ को पहले ह्यूमनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फैचुएशन तभी होती है व्हेन यू लुक एट इट विद अ लेंस ऑफ ग्रैंडियर कि भाई वाह। मैं ऐसे ही नहीं सोचता था, मतलब समझ रहा है, वाओ, मेरे को बस ऐसे होता था कि ओ भाई अब मैं खेलूंगा मेरे को कितने मजे आएंगे। हाँ हाँ वही, मतलब आई वुड से, बट वो तो एक नॉन, तू ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मैं एक औरत को देख रहा हूँ, आई नो, मतलब समवॉट इट कैन बी लाइक यू नो रिलेटेड, बट नहीं, यू आर नो लेस देन अ थेरेपिस्ट लव फ्रॉम बैंगलोर, दैट शिट इज सो फकिंग स्टूपिड भाई, डोंट कॉल मी अ थेरेपिस्ट, कितनी अजीब चीज नहीं है वैन चोदी है, लोग मेरे को थेरेपिस्ट की तरह बोल रहे हैं यार। अच्छी बात है भाई। नहीं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तुम्हारे को, मेरे को पता है मेरे को कैसे डीएम आते हैं, भाई मेरी ना एक दोस्त है भाई, आज हमें थेरेपिस्ट बोल रहे हैं, कल परसों हमें ढोंगी बाबा बोलना शुरू कर देंगे भाई, कि थेरेपी के नाम पे हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। थैंक यू क्रिएटर भाई, बहुत बढ़िया लगा भाई। भाई आज सेंचुरी मारेगा ये मुझे लग रहा है भाई, आज ये भाई खेलते जा रहा है। बट स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं ना, आज भाई मैं सुबह सुबह उठ के देखा भाई मैच, मेरा फेवरेट इजराइल एडेसानिया वर्सेस एलेक्स परेरा। यस, आज का क्या प्लान है वॉचमैन? पहले तो आज हम ये बात करेंगे, मैं तेरे को पूरा बताता हूँ कि पूरी सीन क्या है। हाँ। दो लोग थे, ठीक है, इजराइल एडेसानिया, बहुत ही फ्लैशी प्लेयर, स्किल्स बहुत अच्छे हैं। एडेसानिया तो जानता हूँ मैं। हाँ, हाँ, मतलब यूएफसी खेल रखी है ना, और एक है एलेक्स परेरा, इनकी हिस्ट्री बताऊँ क्या है, ये दोनों थे बहुत साल पहले, 10 साल पहले किक बॉक्सर्स, इसराइल बहुत अच्छा खेलता था, और दो मैचेस हुए जिसमें एलेक्स परेरा आया और उसको नॉकआउट करके भाग गया। अच्छा। और जब उसको मारा था ना उसने नॉकआउट, दोनों मैचेस में जब उसको मारा था एलेक्स परेरा ने, उसके ऊपर ऐसे देखता और ऐसे करता, ऐसे करता और वो चला गया। फिर भाई आर्डेसानिया ने बोला भाई दिस इज नॉट डन यार, फिर वो यूएफसी में आया, टॉप लेवल का एथलीट बन गया, चैंपियन, बहुत मतलब 8 बारी कंटेंडर रह चुका है, मतलब 8 कंटेंडर से बॉक्सिंग में हराया बेसिकली उसने, किक बॉक्सिंग में हराया था, दूसरी मार्शल आर्ट में, वो किक बॉक्सिंग जो एंड्रू टेट करता है, या मतलब हाँ हाँ मतलब, बट वो असली वाली किक बॉक्सिंग, ये लोग बड़े हैं कभी एंड्रू टेट वगैरह से? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा हाँ, आगे हाँ हाँ, 8 नहीं 7 टाइटल डिफेंसेस थी, ठीक है, 7। तो आडेसानिया वाज टॉप ऑफ हिज गेम सारे, है ना, एलेक्स परेरा आता है बहन जो यूएफसी किकबॉक्सिंग छोड़ के, उसकी 4 मैचेस हुई हैं। अब मैं बताता हूँ मेरे को एलेक्स परेरा क्यों गंदा लगता है, तू बता, तू एक लीग में आया है, तेरे सिर्फ 4 मैचेस हुए हैं, चैंपियनशिप चैंपियन के साथ तेरे को लड़वाने का तेरा क्या पॉइंट बनता है कि तूने चैंपियन को हरा रखा है पहले? हाँ, दो बार उसी क्रेडिबिलिटी, उसी क्रेडिबिलिटी पे दी होगी, चलो ठीक है भाई दे दिया, मेरे ना खून खोल गया भाई, ये आया और उसने पेल दिया, मार दिया उसने उसको, आडेसानिया को पेल दिया भाई, वो ना आडेसानिया के दिमाग में ना। हाँ। भाई पता क्या, कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा बंदा होता है। हाँ। जो ना मतलब तुम चाहे तुम्हारी कैपेबिलिटी उससे ज्यादा भी हो, क्योंकि तुम एक दो बार हार गए ना उससे, तो तुम मतलब मेंटली वो कर ही नहीं पाते हो। थैंक यू क्रिएटर भाई। अर्पित भाई उड़ीसा में कहाँ से हो भाई? कटक से हूँ मैं, मतलब दादू दादी कटक रहते हैं। बट हाँ, तो फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ, जो तूने बात बोली, देयर इज दिस ऑलवेज दैट वन पर्सन जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, है ना, एलेक्स परेरा आडेसानिया के दिमाग में बैठ गया, पेल दिया उसने भाई, मैं कह रहा हूँ 4 महीने में इतनी जल्दी मैंने नहीं देखा भाई, कोई रीमैच हो रहा है, हो गया। हाँ, रीमैच हुआ आज। हाँ। ठीक है, सुबह भाई, तो बताओ नॉकआउट कैसे हुआ था, कौन जीता, कौन? परेरा जीत गया फिर से। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आज वाला मैं तेरे को बताता हूँ क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, रुक जा, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। जो पहला मैच हुआ था यूएफसी में, परेरा आया, उसने ना उसको बहन से कोने में लेके आया और गुत्थमबाजी करी। अब भाई ऑब्वियसली गुत्थमबाजी में कोने में लेके गया, गुत्थमबाजी रिंग के कोने में लेकर गया, मतलब केज के, और गुत्थमबाजी करी, ऑब्वियसली वही वाला बंदा जीतेगा जिसके पास ज्यादा ताकत है, खेल नहीं पाया आडेसानिया, ईगो में आ गया था कि इसको तो हराना ही है, हार गया। इस वाले मैच में बताऊँ क्या हुआ, आडेसानिया भाई को पता था कि इस बंदे को है बहन जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अपनी गुत्थमबाजी पे, है ना, तो पहले राउंड में गुत्थमबाजी हुई, वो पीछे हट गया,
ये दिखाने के लिए भाई मैं आपसे डरता हूँ, मुझे मत मारो। सेकंड राउंड होता है भाई, सेकंड राउंड होता है, वो आता गुत्थमबाजी करने फिर से, और भाई पेल रहा है पेल रहा है, और भाई बताऊं क्या आडेसानिया करता है छल कपट, वो जो चीज नहीं होती है, आ आ ऐसे ऐसे पिट रहा है, और हल्की सी विंडो मिली, 1-2 पट नॉकआउट। बहन चोदी भाई, कसम से भाई मजा आ गया भाई, मजा आ गया। 2 पीस चिकन, चिकन लेग पीस दे दिए भाई, सिर्फ 2-1-2 चिकन पीस, 1-2 चिकन पीस। थैंक यू क्रिएटर भाई, थैंक यू भाई। मैं बता रहा हूँ आज 100 होंगे भाई। हाँ होंगे भाई। और बताऊँ क्या हुआ, ये पेल दिया सब कुछ हुआ, और उसके बाद हटा एलेक्स परेरा का जो बेटा था ना, छोटा बेटा, जब पहला मैच हुआ था तो वो ना ऐसे हुआ जैसी आडेसानिया हारा और रिंग में ऐसे करते ना, हू वन ये वो, परेरा का बेटा जाके ऐसे नौटंकी करता। अच्छा रिंग में आडेसानिया गया उसकी तरफ देखता, बच्चे की तरफ, 6 साल का बच्चा है उसकी तरफ देखता। अब भाई भाई तू मुझे बता इसमें क्या अनएथिकल था, सारे कुछ अनएथिकल नहीं था भाई, बेस्ट कुछ अनएथिकल नहीं था इसमें, उसने एक बच्चे को देख के ऐसे ही तो करा, उस बच्चे को लगी चोट भाई, वो रो रहा था भाई, उसने उसको एक लेसन सिखा दिया जो उसका बाप उसे नहीं सिखा पाया। मैं ना तेरे को दिखाता हूँ, वो क्लिप ही दिखाता हूँ मेरे को तेरे को, ठीक है ठीक है। मैसेजेस in Brazil his son came to the ring. रुको एक मिनट भाइयों, इसको लेकर जाते हैं। हाँ ये हो गया, सीन टू ये गया इधर, आओ भाई ठीक है अभी देखियो। I remember, so the first time he knocked me out in Brazil, his son came to the ring and then started to just lie dead next to me. You there? Fucking laugh. I whooped his ass. I whooped your ass. But then, I looked for his kid and I pointed at him and I saw him and I was like, hey. Just to remember. Oh! 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 रो रहा है भाई, और क्या चाहिए तू मुझे बता भाई। भाई अब बप्पा मुझे एक बात बता इसमें क्या, वेल टॉट भाई है ना, वेल टॉट भाई। उसके बाद मतलब ये जो चीज होती है ना, ये चुभती है भाई। 58-69 टारगेट, थैंक यू क्रिएटर भाई, थैंक यू 69 टारगेट, चलो सही है, चलो 69 भी सही है। अब भाई मुझे एक बात बता, इसके अंदर जो इस आडेसानिया ने किया, डू यू थिंक दिस वाज लाइक की खराब? नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, है ना। हाँ अच्छा करा उसने, उसके मतलब बता तो रहा हूँ, उसके उसने ऐसा लेसन सिखा दिया उसका बाप नहीं सिखाता उसे, ऑफ कोर्स किसी और से सीखा उसने, और मतलब उसको याद रहेगी भाई वो बात, मतलब भाई बट इमेजिन तेरे पापा तेरे सामने पिटे हैं, ठीक है पिटाई हुई है तेरे पापा की तेरे सामने, और एक बंदा आता है और तेरी तरफ देख के ऐसे करता तो भाई तेरे को नहीं लगता कि ये चीज चुभेगी? चुभेगी भाई, बिल्कुल चुभेगी भाई। मैं तो रो पड़ता भाई, तो वो भी रो ही रहा था और क्या मैं तो रो पड़ता भाई, मेरे से तो नहीं होता भाई। क्रश से कैसे फ्लर्ट करें भाई? देखो क्रश से फ्लर्ट मत करो, क्यों करना है क्रश से फ्लर्ट? तो क्या करना चाहिए भाई? मैं तुम्हारे को ना एक बात बता दूं, लगता है मैं हूं अखंड चूतिया, मुझे औरतों से आती नहीं है करनी बात, मैं औरतों से बात करता हूं, मुझे बताओ भाई तेरे में बोल दे भाई, I'm least bothered, बता दे इन लोगों को क्या दिक्कत है बता भाई भाई दिक्कत है कि तू बात कर रहा है उनसे तो तेरे को जलन हो रही है ये बोलना? नहीं भाई नहीं, जलन की बात ही फकिंग गर्लफ्रेंड से तैयार लगी, तू खुद मानता नहीं है चीज क्या कि है कुछ दिक्कत भाई, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ इनको बताना। अब हम भैंचों से हवा हवा की बात कर रहे हैं भाई, अब देख सबसे पहले तो वो वाली चीज होती है कि अब जैसे हम काम वाम करते हैं ठीक है, तो हम गायब हो गए अगले 8-12 घंटे के लिए हम काम कर रहे हैं ठीक है। अब भाई नॉर्मल इंसान को नहीं पता इस बारे में कुछ भी ठीक है, नॉर्मल इंसान को हमारे क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में नहीं पता, नॉर्मल इंसान को और चीजों के बारे में नहीं पता, तो गायब हो जाएगा रैंडमली ठीक है, फिर वो इंसान को अजीब लगेगा ठीक है, वो पूछेगा ठीक है कि मतलब इनडायरेक्टली पूछेगी
कि मतलब ये क्या सीन था, और उस पर तू रिप्लाई कर देगा कुछ फनी, ठीक हाँ है कुछ, तो वो एक तरह से मतलब वैसा वैसा हो जाता है, वो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, फिर 10 बार इंसान इंटरेस्ट लूज कर देता है अपना, हाँ तो एक वो वाली चीज ही है बट बस, भाई और मेरे क्या को ये है। चीज बताओ भाई, ये औरतों को ऐसा क्यों लगता है दैट मेन ओ देम अ गुड कॉन्वर्सेशन? व्हाई इज इट सो? भाई इट इज बिकॉज जब औरतें आदमियों से बात करती हैं तो वो कनेक्शन आई गेस मतलब तो दोस्ती क्यों या भाई कुछ, क्यों? तो मैं जिस तरीके से तेरे से बात करता हूं, अगर मैंने किसी औरत से बात कर दिया तो क्या उसके उसका दिमाग फ्यूज क्यों हो जाता है? है, मेरी सारी सेल्फ वर्थ एक कॉन्वर्सेशन ने चोट दी, ये मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं बात कर रहा जैसे मैं कुछ स्पेशल औरत हूं, जैसे कि मेरे से और कोई बंदी है ही नहीं दुनिया में, ऐसा क्यों होता है? इफ आई एम टॉकिंग टू अ वुमन लाइक अ लाइट हार्टेड टोन, कि मेरे को हाँ सिर्फ मजाक करनी है, सिर्फ बातें ऐसी करनी है कि जिसमें देख कोई देख देख मैं अंडरटोन ना बताता हो हूँ, कि मेरे को मुझे ना ऐसा सेक्स लगता है, करना मेरे है। को ना ऐसा लगता है बंदियों का होता है कि तू फनी है ठीक है बहुत हाँ बढ़िया, एक हाँ हद के बाद फिर उसके बाद उनको चूजा चल वैसे हटा, चल हाँ अब एंड मुझे वो दिखा जो मैं देखना चाहती हूँ। क्यों क्यों व्हाई डू आई हैव टू भाई ओके सुन, ये वही आंसर है कि भाई आज की डेट में अगर तरुण गिल सबको कह रहा है कि भाई मैगी खाओ बॉडी बनाओ, क्यों बोल रहा है? क्योंकि सब यही सुनना चाहते हैं। अब तो ये पूछ रहा है कि भाई लोग ये क्यों सुनना चाहते हैं, तो फिर भाई अब तो ये वही भाई बात वही हो तो गई बात हो भाई। गई ना, मेरे को तरुण गिल नहीं बनना, मुझे नहीं चाहिए भाई वायग्रा, पर मुझे नहीं चाहिए वायग्रा फॉर तुझे प्री लड़कियों का वर्कआउट तरुण और गिल ट्रेनर फॉर माय तुझे तुझे वॉइस, लड़कियों का तरुण गिल बनना पड़ेगा नहीं भाई। बनना मुझे भाई, सही में कह रहा हूँ, लड़कियों का तरुण गिल बनना ही नहीं मुझे, क्यों बनू मैं लड़कियों का तरुण गिल, क्यों बनू मैं? क्योंकि एंड में फिर तू ही बोलता है कि भाई नहीं, मतलब मैं देख, आई कैन ऑलवेज कंप्लेन बिकॉज दैट इज माई बर्थ गिवन राइट, ठीक है, बर्थ गिवन राइट। हाँ आई कैन हाँ ऑलवेज कंप्लेन बिकॉज दैट इज माई बर्थ राइट, ठीक है हाँ ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, हाँ मैं तो कर लूंगा कंप्लेन, हम्म। आदमी का हक है भाई कंप्लेन करना। खमजा चिमायव के सामने कैसे टिकेगा? इजी, हाँ भाई खमजा बात तो चिमाव सही है, कौन है? एक और बंदा है, इवन विद एलेक्स ही गॉट लकी, ही इज मीडियोकर फ्लैश गाय। नहीं भाई नहीं, खमजत चिमाएव मैं मान सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा थ्रेट है, बट एलेक्स परेरा के सामने ना यार इसे, एक वो भी तो यंग लड़का था जिसको खबीब ट्रेन कर रहा रुक था, जा रुक जा, मैं उसका क्या बता रहा हूँ, हुआ? रुक जा एक मिनट मैं बताता हूँ। इसराइल आडेसान्या ने, मैं बताता हूँ आप लोगों को मेरा दिमाग कैसे चल रहा है, पूरा गेम पढ़ लिया भाई, इट वॉज नॉट अ लकी पंच, इट वॉज कैलकुलेटेड, उसने किया छल कपट, हाँ भाई मुझे मारो, ही यूज्ड एलेक्स परेरा की स्ट्रेंथ उसी के अगेंस्ट में कि भाई मुझे मारो, जैसी वो विंडो मिली उसने 1-2 किया, ही इज डाउन ब्रो, ही इज डाउन, दैट इज, ऐसे ही तो चलता है भाई, ऐसे ही तो होती हैं फाइट्स, प्रोफेशनल फाइट्स यही होती हैं भाई, प्रोफेशनल फाइट्स गुत्थमबाजी की तरह नहीं होती कि माँ चोदनी है, तू यूएफसी गलत तरीके से देख रहा है, फिर तुझे यूएफसी नहीं देखना, तेरे को किसी की माँ चुदते हुए देखना है, मतलब लड़ाई में ऑफकोर्स। थर्ड स्ट्रीम ऑफ आस्किंग अर्पित टू डू ब्रॉल आला पे कमेंट्री, हाँ भाई करेंगे करेंगे पक्का करेंगे, क्रिएटर क्या? भाई यार क्रिएटर भाई तो बहन जो पैसे फेंक रहे हैं भाई, बट मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ भाई, इजी इजी ने प्रूव किया है भाई, भाई तुम मुझे बताओ पूरी मिडल वेट कैटेगरी में हर बंदे को हरा दिया भाई, पूरी वेट क्लास में टॉप कंटेंडर्स को सबको हरा दिया है, किसने? वही इसराइल एडेसानिया ने, हाँ है ना, कुछ तो बात होगी, और उसके बाद बिल्कुल जिस होगी बंदे ने भाई, हराया उसके बाद आके उसको फिर से पेला, क्या? जिस बंदे ने उसको हाँ हराया उसको भी हाँ आके रीमैच में हरा दिया, हाँ इट्स लाइक वो वाली जो फाइट नहीं थी, कौन है भाई कॉर्नर का क्या लगता है तेरे को ये सब कॉर्नर छोड़ने मैग्रेगर, का? हाँ भाई आजकल कॉर्नर को क्या हो गया है? भाई कॉर्नर मैग्रेगर हैज बीन हम्बल्ड ट्वाइस, हैज बीन हम्बल्ड ट्वाइस, अब वो आ रहा है तो उसको अपना, भाई पहले अब तो उसको अपना मोजो लेकर आना पड़ेगा, भाई फिर सही उसको, में हाँ फिर उसको ये रियलाइज करना पड़ेगा जो उसने सब कुछ बॉक्सिंग करते हुए सीखा था वो सब अनलर्न करना पड़ेगा, और वापस अपने किकबॉक्सिंग वाले स्टांस पे आना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, अभी तो कॉर्नर आने में बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि भाई यूएसएडीए वाले डोंट यू मना कर थिंक रहे ही हैं, इज जस्ट ब्लोइंग हिज करियर अवे? नहीं भाई उसका करियर बहुत है भाई, सिर्फ यूएफसी नहीं है उसका करियर, अबे नहीं वो यूएफसी वाला करियर है यार, फैन यूएफसी वाला करियर, यार हाँ मतलब आई थिंक ही इज वॉश्ड अप नाउ, आई थिंक ही इज वॉश्ड, उसका हो गया ओवर, एंड इट्स सैड टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज आई एम अ ह्यूज मैकग्रेगर फैन, हाँ भाई बट इट इज सैड भाई, इट इज द ट्रूथ, क्योंकि अब ज्यादा टेक्निकल लोग आ गए हैं उसी कैटेगरी में, आजकल के ना बहुत रिसेंट टाइम्स में ऐसा हुआ है, अपन लोगों के जितने भी बढ़िया लोग लगते थे ना सबकी हाँ चुदी है अच्छे से, मतलब एक एक करके ना, मतलब हाँ बी एट रोनाल्डो बी एट कोई भी,
सबके कनेलो चला गया भाई, कनेलो की भी उड़ा दी, एंथनी जोशुआ को भी उड़ा दिया, सब कुछ कर दिया। 69 69, अरे 68 पे आ गए हैं भाई। भाई मैं कल एक किसी फाइट के बारे में देख रहा था, कोई बॉक्सर था जॉर्ज मैकलेलन, हाँ मैकलेलन करके हाँ कुछ, जो अपने टाइम का बहुत खतरनाक वर्ल्ड चैंपियन था, और वो एक बंदे से लड़ा था कोई नाइजल करके, और भाई उसके आ गए बाद भाई 69 आ गई भाई 440। थैंक यू भाई क्रिएटर भाई, क्या थैंक बात यू है भाई भाई। आज तू का क्या कह रहा दी था? मैन। तो भाई वो दो बॉक्सिंग वाले लोग लड़े, और उनमें से एक बंदा जो था ना वो बॉक्सर नहीं था, वो मरीन था, हाँ बट उसके मतलब उसमें फाइटर वाले इंस्टिंक्ट्स थे और वो सब था, और वो दोनों लड़े भाई, और सामने वाला जो बंदा था वो काफ़ी वैसा था, मतलब खतरनाक, मतलब उसको कहते थे कि भाई इज़ लाइक द फकिंग अमेरिका का बेस्ट हिटमैन टाइप्स, वो वैसी वाली रेपुटेशन थी उस बंदे की। और और ये जो वो रील जब तू देख रहा था पीछे, वो बज रहा टंग 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 नहीं टंग नहीं 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 टंग नहीं वो नहीं बज रहा था, वो टंग नहीं बज रहा था, टंग। क्योंकि भाई उस बंदे को फाइट में ही कुछ हो गया दिमाग में, और उसके बाद वो बंदा मतलब थोड़ा सा वैसा सा रह गया ज़िंदगी भर, मतलब हो जाता है ना कि दिमाग पे उसको क्लॉट हो आवाजें गया। सुनाई नहीं हाँ देने लगी, नहीं 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 फिर नहीं थोड़ा सा वैसा सा हो गया वो, मेंटली डिसेबल्ड टाइप्स। मेंटली डिसेबल्ड हो गया। हाँ उस फाइट के बाद से उसके उसके यहाँ पे ऐसे हेयर कट में ऐसे वो था, गजनी वाला हाँ नहीं फिर कौन था वो? भाई, बॉक्सर था यार एक बॉक्सर अमेरिकन। था। हाँ और उसके बाद वो उस पे रहता है, वो व्हीलचेयर पे रहता है। हाँ हाँ मैं व्हीलचेयर पे जानता रहता हूँ, है, उसके यहाँ पे लगी थी। यहाँ पे नहीं उसको इंटरनली कुछ हो गया था, और उसके बाद वो उसकी लग गई थी भाई इन फाइट दैट में। हाँ वो तो है भाई, ये तो है। लोग बहुत बोलते हैं ना कि F1 डेंजरस है ये वो, भाई बॉक्सिंग इज, मैं सही बताऊँ ना, F1 को रिस्पेक्ट बताऊँ क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसे स्पोर्ट्स हैं जैसे बॉक्सिंग। लोग क्यों बोलते हैं कि F1 इज नॉट अ स्पोर्ट, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स लाइक MMA एंड बॉक्सिंग, क्योंकि गुत्थमबाजी होती है किसी का सर खुल जाता भाई है। गुत्थमबाजी तो मतलब देख पुराने टाइम से यस चलते सर आ रहा है क्रिएटर भाई, ये भाई, दुआओं सब में याद रखेंगे सबको भाई। पसंद आता था, बट तू ये सोच भाई पुराने टाइम पे जब एक्चुअली ग्लैडिएटर जैसी चीज़ें लीगल होती थी, हाँ तब क्या होता होगा भाई कि तू एक स्टेडियम में जा रहा है और वहाँ तेरे सामने एक लाइफ किलिंग हो रही है भाई, और उसको उसको मतलब मेले की तरह वो दिखा रहे हो तुम, मतलब जैसे मेला लगाया ना भाई, पुराने टाइम के लोग एक अलग एक्सट्रीमिटी भी जीते थे भाई हाँ रोमांस ना, हाँ भाई, कि मतलब वो मेले की तरह एडवर्टाइज हो रहा है कि तुम अपने छोटे से बच्चे को लेके जा रहे हो, और वहाँ पे और किसी का वो सर कट कॉटन रहा है। कैंडी खा रहा है, और बहन सामने सर खुल रहे हैं भाई लोगों या बेसिकली यही गीता कलोनी के जॉन जोन्स के बारे में ओपिनियन, भाई जीत गया भाई, गोट गोट सर्टिफाइड गोट भाई। उस बंदे को इतना ज़्यादा पेला पेला, उसके बाद वो आया ये और आते नाइजीरियन ही, एक्सेंट में क्या है? अरे कुछ नहीं है, मत मत बोल मत बोल, ये लोग बहन चो मेरे को कैंसिल करवाने के लिए क्लिप्स निकलवाते हैं मेरी नाइजीरियन एक्सेंट मतलब मैं भी नहीं बोल सकता। नहीं मत बोल। द थिंग इज नाइजीरियन एक्सेंट तब अच्छा लगता है जब कोई नाइजीरियन ही करें, हम करते हैं तो इट्स इट्स लाइक कि हम लोग अपने मुंह से ब्लैक फेस कर रहे हैं, यार ये तो मतलब ढूंढ ढूंढ के चीजें निकालना हो गया यार, है इसमें ना? क्या वो है? ऐसे तो मैं सौरभ सर की भी एक्टिंग करता था, इसका मतलब ये है कि भाई मैं चाहता हूँ कि सौरभ सर के डिस्क्रिमिनेशन हो जाए नहीं सारे पी टीचरों से अलग बिठा रहे हैं सौरभ सर को सारे पी टीचर एक जगह गाते हैं सौरभ सर की कोने में कुर्सी लगी हुई है बट भाई जब ये ट्विटर पे लोग कैंसिल करेंगे ना, वो देखेंगे ही नहीं सौरभ सर कौन है एंड एवरीथिंग, वो तेरी वो डबिंग मिमिक्री वाली को टैलेंट नहीं मानेंगे ना ये तो तू भाई। मेरा लॉजिक ही सोच मेरे पे फेंक के भाई, मार रहा है सोच भाई। कोई भाई बंदा उसको फुल ऐसे रेसिस्ट वाले ऐसे टोन में बात कर रहा है ऐसे कि ब्लैक लोगों के बारे में, और उसके बाद बोलता है एक्चुअली मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, मेरा नाम VIP है और नाभी में उंगली डालता हूँ मैं तो मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, मैं दरवाजे की भी साउंड निकालता ओ हूँ भाई मैं N-word बोलते हुए दरवाजे की साउंड निकालता हूँ बप्पा, भाई घर जाने को कितना रात करोगे, क्या पूछ रहा है इतनी देर से भाई, पागल है छोड़ना। सवाल भी ढंग से नहीं आता भाई, इसे हिंदी डिफॉर्म्ड है भाई पूरी। रुकियो भाई, शाश्वत का है, अर्पित भाई देयर इज अ गर्ल आई लाइक एंड आई वेंट आउट विद हर 2-4 times, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, बट ब्रो शी कॉल्स मी ब्रो, शुड आई प्रोसीड आगे? भाई सिंपल बोल रहा हूँ कि भाई तो निकल जाता है, ब्रो भी निकल ही जाता है, तो मतलब एक बार ही ना पूछ लो भाई। तुम उसको देख बोलो आई डोंट वांट टू बी ब्रो, आई वांट टू बी स्टेप ब्रो। मैं यहाँ पे बहन चोद लोगों को कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रहा भाई हूँ खत्म कि भाई उसकी सारी, तू ये तो समझना, एक मिनट स्टेप ब्रो। ये हाँ सवाल फेंकते ही हाँ उसको समझ गया, तेरे वो को बंदी पता है समझ गई, वो बंदी क्या वो बंदा समझेगी समझ कि गया। ये बंदा कितना ज्यादा मतलब पोर्न देखता है। अच्छी बात है वो देखता है क्योंकि
किसी भी बंदी को अच्छा नहीं लगता कि उससे कोई बंदा बात कर रहा है, वो बहुत ज्यादा पॉर्न देखता है भाई। तो मैं आज वो बताया तो सारे बंदियों को भी सारे बंदे ही देखते हैं, वो हर बंदी को पता है, बट किसी को बंदी को अच्छा नहीं लगता भाई। मैं बहुत पॉर्न देखता हूँ, पता है I jack off like 2-3 times a day. भाई obviously ऐसे तो कोई नहीं बोलता। Hello. Hello. अरे भाई कसम से भाई किसी बंदी से बोलता है hello hello करने के बाद actually मैं अभी बस मार दिया है। किसी बंदी को अच्छा नहीं लगता भाई। Oh. भाई ये तो बंदों को भी अच्छा नहीं लगता। And मतलब how can you defend yourself after a like after you say some shit like this ki matlab ha bhai implied hai ki tum zyada porn dekhte ho aur uske baad tum kya actually main jack off nahi karta main bas dekhta hu it's more creepy it's creepier than bhai ha par aisa kyun bolega wo ye baat aayi kahan se yahi dikhane ke liye ki actually main porn dekhta hu sir main jack off nahi karta hu to it's less creepy but it's actually more creepy bhai mbbs sounds like a personal experience to be honest bhai mbbs mein bahut stress hai kaise dur kare मौज लो भाई मुन्ना भाई देखो ढूंढ लो मुन्ना भाई देखो ये कॉलेज के कोर्स के लिए फॉर्म भरना जरूरी है क्या बैगन भाई बंदी को सेक्स के लिए कैसे मनाए मनाना क्यों है भाई इट्स आइदर यस और नो मनाना क्या है सेक्स के लिए त्योहार थोड़ी है कि अगर अगर तुम मनाओगे तो हरासमेंट हो जाएगी फिर ऐसे नहीं कर सकते तुम आज सेक्स हो रहा है भाई सही बताओ ना जब लड़के को पता चलता है कि आज सेक्स हो रहा है तो वो सही वो मनाता भाई है भाई वो भाई पूरा मनाता है भाई त्योहार बनता है उसके भाई वो जाता है दिए लगा रहा होता है भाई ऐसी वैसे है कि भाई वो पूरी के पूरी भाई टीके लगाता है भाई जाके कि भाई आज तो मजे आएंगे भाई पूरा भाई अरोमा वरोमा कर देता है भाई पूरे कमरा सजाता है भाई जाके भाई पहले तो भाई वो थैंक यू बोलता है भगवान जी को कसम से भाई ओ भाई गॉड डैम ओपिनियन ऑन नेट डियाज भाई वेरी गुड गाय बढ़िया है मेरे को डियाज ब्रदर्स बहुत अच्छे लगते हैं भाई कौन से डियाज ब्रदर्स यूएफसी वाले दो भाई थे मेरे को तो हार्डी ब्रदर्स अच्छे लगते हैं भाई हार्डी ब्रदर्स हाँ भाई भाई वैसे ये बात सच है क्या कि WWE स्टार्स कोक्ड अप होते थे सारे एक टाइम पे व्हाट डू यू मीन वो कोकेन नहीं और वो हाई लाइफ और वो बैड बॉय भाई सही बताओ ना देख तेरे को जैसे शॉन माइकल्स है हाँ जेफ हार्डी है हाँ इन लोगों के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि वो ये पागल थे भाई अपने टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ भी नहीं था इनका ये डंबल WWE आई एम वेटिंग फॉर योर स्पॉन्सरशिप आई डोंट नो हु दिस गाय ऐसा कुछ नहीं है WWE इज द बेस्ट स्पोर्ट आउट देयर ठीक है इनफैक्ट जितने भी लोग बोलते हैं ना WWE फेक है इट्स रियल एज इट गेट्स ठीक है इट्स द रियलेस्ट थिंग आउट देयर भाई बट आई थिंक कि मेरे को WWE से पहले CWE की चाहिए भाई CWE क्या चाहिए वो चंडीगढ़ रेसलिंग एंटरटेनमेंट यू नीड खली खली के साथ में हाँ खली के साथ में अच्छा खली नीड्स टू गेट ऑन दैट फूसी गैंग शिट या आई मीन वी कैन अरेंज इट दोस्त कास्ट में बुलाना पड़ेगा खली को और उसके बाद एकदम से पॉप आउट करना पड़ेगा मुट्ठी के बाद गिल्ट से कैसे बचूं ठीक है बात गिल्ट से कैसे बचूं Dad named guilt. भाई तुम ना तुम ट्रेन करो जब तक गिल्ट नहीं रहता कोई आपके इजी ने ये भी कहा है वो जॉन जोन्स को हरा सकता है जब जॉन लाइट में था अरे यार ये बहुत टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं यार नहीं हरा सकता भाई वो पागल है भाई लाइट हैवी वेट में गया उसको उड़ा उड़ा गया आई एम नॉट सेइंग कि भाई इजी गोट है नहीं है इजी गोट बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये वाली फाइट में उसने दिखा दिया कि उसके पास भाई औकात है ठीक है भाई तूने दो बार भेज दिए हैं ठीक है अगर रियल है अर्पित भाई तो बप्पा पर आरकेओ हो जाए भाई देखो चोट लग जाती है ठीक है एंड भाई WWE करना कुछ ऐसी वो नहीं है भाई पहले हमारे को लड़ाई करनी पड़ेगी तभी WWE होती है ऐसी नहीं होती और भाई तुम्हें क्या लगता है हमने आज तक एक दूसरे को आरकेओ नहीं दी दी बताओ है भाई। बताओ तुम्हारे को क्या लगता है मैंने कभी भी क्या लगता है हम ट्रिश स्ट्रैटस का मैंने फिनिशर बप्पा को नहीं दिया है क्या था ट्रिश स्ट्रैटस का फिनिशर तेरे को नहीं पता ट्रिश स्ट्रैटस क्या करती थी फिनिशर देने के लिए नहीं क्या करती थी कुछ गंदा तो नहीं करती थी आई डोंट नो पापा सोच मैंने तेरे साथ क्या क्या किया तेरे को चुप कराने के लिए भाई तुझे मुझे कभी चुप नहीं कराना पड़ा दैट्स नॉट ट्रू अपनी एक्स को प्रूव करना है मैं लूजर नहीं हूँ कैसे करूँ
भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो तुम्हारी एक्स है तुम सिर्फ उसके लिए लूजर ही हो हाँ, मतलब और कुछ उसके नहीं बाद हो। तुम उसके बाद तुम शाहरुख खान भी बन जाओ जिंदगी में, नहीं तुम लूजर, लूजर ही रहोगे। तुम्हारे को पता है उसके दिमाग में क्या आएगा, अबे ये जो भी करता सब ढोंगा, मैं जानती हूँ उसे। यही आता है भाई बंदी के दिमाग में, तुम चाहे कुछ भी ये देखो ये बंदा ना भाई चाहे ना बात कर पाए पर कुछ चीजों में तो ये ऑन पॉइंट होता है, तो मैं कहता हूँ भाई ये तो मैंने हमेशा बोला है भाई खुले मुंह से। हाँ भाई भाई तुम मुझे बता, ये जितने मेरे को बहुत मजा आता है भाई कभी कभी, जितने लड़कों को ऐसा लगता है कि भाई मैं आईएएस बन जाऊंगा उसके बाद तो भाई मेरे दिमाग में वही ठुकरा के मेरा प्यार मेरा, नहीं भाई उसके दिमाग में अरे कुछ नहीं है ये ऐसे ही पड़ा रहता था, कुछ दिमाग नहीं है इसमें, पागल है चीटिंग करके सिफारिश पे आईएएस बना है, ऐसी बातें होती है भाई लेजेंड। भाई मास्टरबेशन कम कैसे करूं पता नहीं भाई, भाई आप लोग कैरी के साथ ऑन स्क्रीन क्यों नहीं आते यार, हमारी मतलब दोस्ती जो है ना हमारी कैरी से वो उतनी नंबर वाली नहीं है। अर्पित भाई मेरी अब तक 3 बंदियां बाइसेक्सुअल निकल चुकी हैं वो भी लाइन से, मैं क्या करूं भाई, भाई आप क्या करना है, दिस इज सो गुड, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है भाई, आप ये समझो ना आप उसके बाद। यार प्रिया सुनो मैं ये सोच रहा था हम आप पार्टी करते ना, आप अपने फ्रेंड को बुला लो, मतलब क्या दिक्कत है, आप तो खुश हो गई, मतलब ऐसा क्या है, रुक जा। आई हैव टॉक्ड टू अ गर्ल फॉर अ ईयर लेटली, शी रिवील्ड शी हैज फीलिंग, आई हैव द सेम एज वेल, शी वांट्स टू कीप थिंग्स प्लेटोनिक बट अश्योर्ड रिलेशनशिप इन फ्यूचर, ना नहीं क्या नहीं। प्लेटोनिक रखनी है उसे चीजें हाँ, और अभी कह रही है पर बाद में रिलेशन, भाई कोई बंदी ऐसी नहीं होती जो बोले कि मुझे फीलिंग्स हैं पर मुझे चीजें प्लेटोनिक रखनी है विदाउट अ फकिंग गुड रीजन, ठीक है इसका मतलब ये कि बंदी दिमाग से सॉर्टेड, पर तू ये समझ जाइयो कि अगर तेरी बंदी वो ये लाइफ देख रही है तो अब उसके पास अच्छा रीजन भी आ जाएगा, तो अब तो तू मत ही करियो भरोसा। या सर जी AK-47 बॉयज के बेहोशी प्रैंक पे रिव्यू दो, अभी मैं कोई रिव्यू नहीं दे सकता क्योंकि हमारे को हेडफोन्स पहनने पड़ेंगे और पप्पा मेरे हेडफोन्स से गिन खाता है। हाँ हमें एक वो ले लेना चाहिए, क्या जैक वाला जो आता है ना इसमें 2 लग जाते हैं, 2 वाला कन्वर्टर हाँ, और फिर मेट्रो में एक साथ गाने सुनते हुए जाना चाहिए ऐसे करके। इस पे 1975 के गाने बजे, गाड़ी से जा सकते हैं पर जान पूछ के जा रहे हैं भाई मेट्रो से, एस्थेटिक के लिए बस, एस्थेटिक के लिए जस्ट फॉर द, मैं कह रहा हूं भाई गाड़ी में स्पीकर है भाई, हाँ नहीं भाई। ये लगा भाई बप्पा के साथ चुम्मा चाटी करते, क्यों करूं भाई, तुम लोगों को ये फनी लगता है क्या? तुमने हमारे रिलेशनशिप को मजाक बना रखा है क्या? हाँ भाई भैया हमारे कॉलेज में लड़की पढ़ती है तो माड़ी सुंदर है, उसको कैसे अप्रोच भाई कॉलेज में लड़की पढ़ा है जो माड़ी सुंदर है उसको कैसे अप्रोच करें? भाई केशव भाई आई वुड से कि आप ना मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स ढूंढो, समझ रहे हो ना, अगर कोई उसकी बेस्ट फ्रेंड है जो थोड़ी सी मतलब इनसिक्योर है अपनी बॉडी वेट को लेके एंड एवरीथिंग, उससे उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाओ, उसको लीड ऑन करो और ये वो करो और उसके थ्रू उसकी दोस्त से बातें करते करने लग जाओ, इट ऑलवेज वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क्स। डैम तूने करा है क्या सब? नहीं बट मैंने ऐसा बहुत होते देखा है। कहाँ? मतलब जैसे मेरा एक दोस्त था वो बहुत हॉट था और मेरे को पता चला कि एक बंदी मेरे से बात इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको तेरे से बात करनी थी। ये मुझे पता था तू एंड में ऐसे ही करेगा, मुझे पता था तू यही बोलेगा एंड में। I saw it coming. Oh. डैम लोट पोट नाइजीरियन एक्सेंट, नहीं भाई कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हो तुम? भाई हम आते हैं जिस जो टैक्स भरता नहीं है उस वाले ब्रैकेट में। भाई लोगों को एक्सप्लॉइट कैसे करें? आपको लोगों को एक्सप्लॉइट करना क्यों है? मतलब ऐसा हुआ क्या है भाई क्रिएटर भाई, आप इतने पैसे फेंक रहे हो, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप भैंचो पैसा ला कहाँ से क्रिएटर भाई जाते हैं भाई बंधुआ मजदूरी करवाते हैं भाई लोगों से, एक स्वेट शॉप में काम कर रहे हैं साथ भाई, एक स्वेट शॉप है इसके बेसमेंट में। कह रहे यार अर्पित भाई और चाहिए यार इनको, मतलब ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है भाई, मैं मतलब इनसे मतलब मैं और क्या करवा सकता हूँ, इनसे मैंने आईफोन बनवा लिए,
इनसे मैंने नकली जूते बनवा भाई लिए। मैं बताता हूँ भाई, वो होते हैं ना भाई लोन शार्क्स, वो भाई बी दैट ब्लैक मार्केट लोन्स, दैट्स हाउ यू एक्सप्लॉइट पीपल। इंडिया में लोन शार्क्स का कॉन्सेप्ट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे मतलब कम्युनिटी वाली चीज आ मतलब जाती एक बार है। इंडिया में यहाँ ना पे ऐसा है कि अगर सिर्फ तुम एक बार अमीर बन गए ना, देन यू जस्ट गो एक ऐसी जगह रहो जहाँ सिर्फ गरीब लोग हैं, ठीक है, एंड हायर टू स्ट्रॉन्ग पीपल, मसल मैन। हाँ मसल मैन, ठीक है, और फिर बस वहाँ पे लोगों को भाई वो दो, लोन दो हाई इंटरेस्ट रेट पे, और फिर जब वो पे ना कर पाए तो सारी ज़मीन हथिया लो। ऐसे काम करते हैं भाई लोग जो बेस लेवल के होते हैं ना भाई, रूरल एरियाज में ये सब होता है भाई। रूरल एरिया, यस, इट्स नॉट कॉल्ड जनरेशनल वेल्थ, इट्स कॉल्ड आपकी जनरेशनल की भी वेल्थ। मेरी दादी मेरी माँ को बहुत तंग करती है। सोल्यूशन, अपने पापा से बोलो अपनी माँ संभाल, ठीक है, मेरी माँ पे बात नहीं आनी चाहिए। भाई सारी सांसें हो गई अब सर पे की साइड। बप्पा को 619 दे, और सीरियस में लव योर स्ट्रीम्स भाई, थैंक यू भाई, मीन्स अ लॉट भाई, मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। नहीं यार ये चीज़ तो होती है भाई, दादी वादी का जो सीन होता है ना कि मतलब मम्मी को तंग करना, और फिर मम्मी पूरे टाइम भाई आंसू लेके बस हमारे यहाँ, मैं तो जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा हाँ रही हूँ नानी के ये यहाँ। आई फील लाइक ना, ये बहुत घरों की कहानी है, या होता ही है ये। और फिर क्या होता है कि या तो भाई बताओ भाई टिप्स, फिर से एक 69 साइकिल चलूंगा, क्या इसको टिप्स थी ऐसे एक्सप्लॉइट कैसे करें लोगों को। भाई, अभी तो बताया एक ठाकुर बन जाओ जाके गांव के भाई, वहां के अबे सरपंच। ठाकुर मत बोल, वो सरनेम होता है। अच्छा, अरे यार नहीं, लाइक दैट इन स्पिरिट, इन जमींदार, स्पिरिट, इन स्पिरिट, जमींदार, जमींदार। जमींदार हाँ बन जाओ हाँ भाई, ये साले दंगे करवाएगा भाई। पप्पा सॉरी बोल भाई, सॉरी ठाकुर यार, कम्युनिटी को सॉरी बोल, ठाकुर कम्युनिटी को सॉरी सॉरी भाई। वाह। भाई मैंने तो मतलब ऐसे बोलने चालने में सुना है, मेरा कोई वो नहीं है भाई ठीक है मतलब, पप्पा बट बच्चे। जाके वो बनो भाई, ठीक है, और उसके बाद भाई सरपंच वरपंच से बना लो दोस्ती एकदम फुल फ्रेंडशिप, ठीक है भाई, और फिर भाई उसके बाद लोन चढ़ाने शुरू कर दो, और फिर लोग हड़काने शुरू कर दो, और फिर ज़मीन ले लो उनकी, और फिर वो ज़मीन बेच दो भाई, एक मॉल बना दो। क्रिएटर भाई देख रहे हो, जो बंदा भैंचो मांग रहा है वही कर रहा है भाई, कैंसल इसको पता नहीं है ना कि कर दे कर कैंसल भाई, दे भाई। कर दे भाई, दो 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 ट्रैक्शन बढ़ हाँ भाई, जाएगा। थॉट्स ऑन चेजिंग गर्ल्स आउट ऑफ योर लीग। भाई मैं आप लोगों से ना एक चीज बोलूंगा कि अगर आपको बंदी को अगर ये लगता है कि वो आउट ऑफ लीग है आपके, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट एज सच कुछ होता नहीं है, बट दिस इज अ वेरी बंदी रियल को लगता थिंग। है कि वो आपके आउट ऑफ लीग है, लाइक पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पॉजिटिवली मतलब ऐसे कि मतलब अबे ये कौन है, क्या समझता है। तूने देखा है ना ऑफ कोर्स बंदियों के डीएम्स में, ओ माय गॉड हु इज दिस क्रीप, एंड ही हैज जस्ट सेड समथिंग वेरी नेचुरल, हेलो कुछ नहीं, बट ओ माय गॉड हु इज दिस क्रीप, कुछ उल्टा नहीं बोला है। वो तो है ही बट आई विल से कि मतलब वो तो होता है भाई, मतलब भाई। डू यू फील लाइक कि अगर कोई बंदी जा रही है हाँ और कोई बंदा उसको आके ऐसे बोलता है रोज देगी कि आई लव यू, क्या तुम मतलब प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे या ये करोगी, ऐसे उसको बोल देता है जाके, और भाई मतलब वो हरासमेंट की तरह काउंट होता है। आई वुड लाइक टू बी साइलेंट ऑन दिस वन, क्यों मेरे को इन सब के बारे में बातें नहीं करनी। क्यों 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 यार, पुटिंग मी ऑन अ स्पॉट भाई, मतलब जनता से पूछ लेते हैं, जनता से मतलब मेरे हिसाब से, यस और नो का पोल मेरे डाल दें, हिसाब यस और से नो का पोल डाल दें। मैं नहीं डालना आता, मुझे मुझे आता ही नहीं है, मुझे भी नहीं आता, मुझे बट लगा तुझे आता हो। मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई नॉर्मल बंदी बस चल रही है, व्हाई डू यू थिंक योर कि मतलब हाँ भाई मैं जाऊंगा और उसको ये सुनना ही पड़ेगा। लाइक जब कोई बंदा ऐसे मूव करता है, मुझे ऐसा फील होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल शुड नॉट बी डन इन अ पब्लिक प्लेस। हाँ कि मतलब द वुमन शुड नॉट, मतलब आई डोंट नो, ऐसी चीज जो करना होता है ना अप्रोच करो और उसको बहुत जाके, टची टॉपिक है मतलब। हाँ नहीं, आई वुड से कि मतलब ऐसा लगता है उन सब सिचुएशंस में कि भाई बंदी ओ करती है उस बंदे को एक रिस्पॉन्स एंड पॉजिटिव तरीके से देना एंड एवरीथिंग, है ना, करेक्ट क्योंकि कि आपको भाई मैंने सबको दिखा हाँ दिया आप तो बोल। हाँ हाँ कि मतलब सपोज कर कि भाई मैं बस पब्लिक में ऐसे ही घूम रहा हूँ और तेरे पास कोई बंदा आता है, भाई यार आपकी गांड मारनी है मैंने, हाँ समझ गया मैं, समझ रहे हैं ना। गांड मारनी है तो भाई नहीं, अलग हो गया भाई भाई जी आपको बहुत अच्छा लगता है, मैंने आपको बूब्स देखने हैं
भाई ऐसे भी कोई नहीं बोलता यार. अबे इट इज द सेम इम्प्लिकेशन भाई. आई गेट गॉट अट्रैक्टेड टू एन ओल्डर वुमन, कैसे डील करूं? उस औरत के पास जाके बोलो एक दिन मैं 30 का हूंगा, तब तक वेट करियो. एक और सवाल पूछता हूं तेरे से, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल. हाँ, लड़कियों को जनरली अपने से हाँ क्या बोलते हैं, बड़े लड़के पसंद आते हैं. हाँ, है ना, तो उन लड़कियों के क्या जिनको अपने से छोटे भी पसंद आ जाते हैं? आई थिंक अगर बंदी कॉन्फिडेंट है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं आती कि कोई यंगर बंदा यंग है उससे. लाइक इफ शी इज वेरी सॉर्टेड आउट अपने दिमाग में, शी नोज कि मतलब अगले दिन उसको जाके कहां से पैसे कमाने हैं एंड एवरीथिंग, शी हैज अ जॉब एंड एवरीथिंग, शी डजंट केयर शिट लाइक दैट, कि मतलब इंडिपेंडेंट वुमन शिट. हां, उसको नहीं फर्क पड़ता भाई. बंदी ने नो नहीं बोला, यू बोल दिया, नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू कोप. भाई बंदी ने यू बोला है भाई, ये चीज मतलब अगर कोई बंदी तेरे को यू बोल रही है तो तूने कुछ पहले किया होगा उल्टा सीधा, बट कोई ऐसे रूड तो नहीं होता. और अगर हो रहा है तो भाई कट लो फिर पतली गली से. भाई जो सेल्फ एस्टीम की धजिया उड़ती है ना, मतलब तूने देखा है ना, मतलब स्कूल में हमेशा एक लड़का ऐसा होता भाई सुन, ऐसा ऐसी कोई सेल्फ एस्टीम की धज्जा नहीं उड़ी जो हमारी नहीं उड़ी आज तक. भाई सुन मेरी बात, हम लोग ना वो लड़के रहे नहीं, हम लोग बहुत प्रिविलेज थे कि हम लोगों को कमबैक्स मारने आते थे, बेइज्जती मारनी आती थी तो हल्का सा. हमें आती नहीं थी अर्पित, हम डिस्कस करते थे स्कूल के बाद. हम ट्रेन करते थे डे इन और डे आउट. प्रिविलेज तो था, कोई जब आके हमें, प्रिविलेज नहीं कहते उसे, हार्ड वर्क कहते हैं, मेहनत कहते हैं. भाई ठीक है चल, समझ, हम लोगों ने मेहनत करी, हमारे पास प्रिविलेज था कि हमारे साथ वो होना है ना. बट कुछ लड़के ऐसे थे भाई, मतलब जिनको मतलब स्पीच इम्पेडिमेंट हो गया. मेरे को भी तो नहीं, स्पीच इम्पेडिमेंट अच्छा खासा वाला हकलाता है जो. ठीक है, कि मतलब तुम्हारे को पता है कि मतलब बच्चे उसको ऐसे करते थे, भाई इसको छुआ मत कर, भाई इसको इसने छू दिया, भाई इससे दूर रहो, ऐसी वाली चीज. अगर ऐसा बंदा किसी बंदी को अप्रोच कर रहा है, ऑफकोर्स अगर वो यू बोलेगी, सेल्फ एस्टीम की तो लगेगी भाई. ये तो होता है भाई, लगती है भाई चीज. भाई क्रिप्टो शिल करो बहुत. नहीं भाई, मैं ये क्रिप्टो क्रिप्टो में मानता ही नहीं भाई. अर्पित मानता है हार्ड कैश और सोने में. नहीं भाई, मैं मानता हूँ भाई रियल एस्टेट. अर्पित वैसे एक बात बता, हमें अगर कोई गिग के लिए बोले कि तुम्हें यहाँ यहाँ शो करना है पर मैं तुम्हें पैसे में नहीं सोने में पे कर सकता हूँ, तू ले लेगा? हाँ भाई, है ना. हाँ भाई बिल्कुल, मैं तो ले लूँगा. मैं तो ले लूंगा भाई. सही बताओ ना, घर वालों को बहुत अच्छा फील होता है जब उनके घर में सोना आता है. इंडियन मेंटालिटी है ना, अगर पिजोरी में हल्का सा भी सोना आ रहा है उनको बहुत खुशी होती है भाई, बहुत ज्यादा खुशी होती है. मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई. भाई मसल मम्मी घर पे कैसे बनते हैं? मसल जिम, मम्मी जिम नहीं जाने देती. मैट भाई, पिलाटिस और पिलाटिस करो भाई, 5-5 किलो के 2 डंबल. हाँ भाई पिलाटिस, पिलाटिस भी नहीं भाई, पिलाटिस से हो जाता है भाई. पता नहीं भाई, मैंने देखा है लड़कियों की बॉडियां बन जाती है सिर्फ और सिर्फ होम वर्कआउट से, पता नहीं कैसे. बाय स्टार्विंग देमसेल्व्स ऑफ कोर्स, बट नहीं भाई उनका. तू नोटिस करियो लड़कियां डाइट पे देती हैं ध्यान जितना लड़के. लड़के मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बस 4 स्कूप प्रोटीन खाएंगे, थोड़ी कम रोटी खा लेंगे और कर लिया. ठीक है, बट होता है भाई, लड़कियां ध्यान देती हैं भाई अपनी डाइट वाइट पे. वो मतलब एक्चुअली ऐसे वो केल शिट और वो सब जो सैलड वैलड होता है, वो सब चीज़ें होता रहता है भाई उनका. भाई प्रमोशन से 80,000 आएगा. नहीं भाई, मेरे को फिर भी क्रिप्टो नहीं करना, क्योंकि मेरे को चीज़ क्या कह रहे हैं क्रिप्टो में क्या करना है. क्रिप्टो शिल कर दो तो फिर आप. शिल क्या होता है पता नहीं ना मुझे, मुझे पता ही नहीं है भाई. एक लड़के की फील्डिंग लगाई थी, उसके घर के बाहर गलती से अंकल को मार दिया. मारा है, क्या किया जाए? अंकल मारा है. भाई अपना नंबर व्हाट्सएप करना प्लीज, बैक की जरूरत है थोड़ी. बंदी से लोगों को के होमवर्क करवाता हूँ और 2 बेस्ट फ्रेंड से प्रैक्टिकल फाइल्स और दोस्त बनाने की टिप्स दो. भाई मैं ये कह रहा हूं ना, ये अपनी बंदी से दूसरों की मजदूरी क्यों कर रहा है भाई? ये है भाई एंड्रू टेट, ये कॉलेज लेवल एंड्रू टेट है भाई.
I've got a what do I have? I have a beautiful girl in my apartment. What do I make her do? Oh, assignments. Assignments. मैं बहुत सारी लड़कियों से बातें करता हूँ, उनसे मैं करवाता हूँ असाइनमेंट्स, और फिर मैंने वो पैसा सर इन्वेस्ट करा और मैंने लगाया अपनी कंपनी में, और वो जो कंपनी हम लोग क्या करते हैं, आपका जैसे सपोज करो एग्जाम आ रहा है, हम क्या करते हैं, हम लोग आपको एक महीने में एग्जाम एग्जाम के लिए वो दे देते हैं, पूरी डिसर्टेशन जी आपको हम लिखवा के दे देंगे। तो शार्क्स, आज हमारा आस्क है आपसे, आप इन्वेस्ट करिए हमारे बिजनेस में, और उनके बिजनेस मॉडल में सिर्फ जो इनसिक्योर नर्डी औरतें जो होमवर्क करती है, क्योंकि उनको लगता है ये अटेंशन दे बंदा। मुंबई कब आ रहे हो भाई? आ रहे हैं भाई, मई में आएंगे ब्रो। इसे छुओ मत, इस काइंड ऑफ सस सेइंग एज ए जनरल। अरे मतलब वो वाली चीज नहीं भाई, भाई पर स्कूल में कर होती हैं ऐसी चीजें, मतलब भाई भाई उसको बोलता हूँ तेरी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। ये बंदा ना रोमेनिया में होगा अरेस्ट और ऐसे वैसे नहीं, ह्यूमन ट्रैफिक नहीं, उसके लिए क्या बोलते हैं प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म के लिए अरेस्ट हो रहा भाई बंदा, पूरा का पूरा एक पूरा रैकेट है भाई इसका प्लेजरिज्म का। बॉडी कैसे बनाऊं छोरे? पता नहीं भाई, ऐसे तो मत बोलो यार। गर्ल्स को टॉपिक बॉयज पसंद है क्या? टॉक्सिक बॉयज पसंद है क्या करूं यार? नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है। आई फील लाइक ये बस कहने की बातें होती हैं। नहीं, मैं बताता हूँ क्या सीन है। जितना मैंने देखा है, मेरे को लगता है टॉक्सिक बंदे ना बस कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा सा कम फक देते हैं। तो बंदियों को ना वो चीज ईगो पे लग जाती है कि भैंचुद इसने मेरे को अटेंशन कैसे नहीं भाई बंदियों को, इट इज अ वेरी रियल थिंग, जो वो चीज नहीं होती, अच्छी भी लगती है भाई, लड़का जिसने मेरे को मुड़ के वापस नहीं देखा, इट इज अ वेरी रियल थिंग। वो चीज भी होती है, साथ साथ ये भी होता है कुछ बंदियों को पसंद भी आती है वो चीज की भाई, मतलब नॉट द टॉक्सिसिटी पार्ट बट द कॉन्फिडेंस पार्ट। कॉन्फिडेंस, हाँ, कि ये बंदा कभी भी मेरे को फोन काट सकता है, कभी मेरे से ढंग से बात नहीं कर सकता। इट जस्ट स्क्रीम्स ऑफ द फैक्ट दैट यू डू नॉट नो व्हाट अ गुड रिलेशनशिप इज, कि मतलब नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शन क्या होती है तुम्हें नहीं पता। ये वही बंदे होते हैं भाई, ये फोन पे बात कर रहे होते हैं, इनको पॉटी जाना होता है, ये रोक लेते हैं भाई। हाँ, जब तक वो हैंग अप नहीं करती। या भाई, अगर पॉटी आ रही है तो बोलना कि जाना है मुझे, रख फोन। या भाई, मैं तो सही में कभी कभार मैं औरतों के बारे में ऐसे सोचता हूँ, ये इतनी बारी फोन पे बात करती है, इनको पॉटी से कुछ नहीं आता क्या कॉन्वर्सेशन के बीच में? भाई मेरे को तो बहुत बार आया है भाई, मेरे को तो काट देता हूँ फोन लेकर भाई, मैं जा रहा हूँ। औरतें क्यों नहीं जा रही है भाई हगने के लिए? क्यों नहीं जा रही है भाई? व्हाट इज दिस भाई? ये क्या है भाई? कॉन्वर्सेशन इनको इतनी लंबी रखनी है? और भाई बताऊंगा कॉन्वर्सेशन को, अगर तुमने ऐसे रुक जा भाई, अभी मैं ना वॉशरूम से होके आया, वाओ, हाँ वाओ वाओ, मेरा मुंह तो रोक रहा, मेरी मुंह थोड़ी इन्वेस्टेड है इस कॉन्वर्सेशन में भाई, कि मेरी मुंह भाई नहीं नहीं यार, दीदी को कुछ बोलना है, रुक जाओ भाई, मेरी मुंह नहीं हो पाता भाई, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता भाई, बहुत रिलेशनशिप बेकार हो गया 10 साल, हाउ टू कोप? ओ भाई, लगेगी भाई, चुदेगी भाई, क्या हो गया, बहुत लंबा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया 10 ईयर्स भाई, होगी भाई, लगेगा, दर्द तो होगा भाई आपको, भाई आपको ना 2-3 साल बस जिंदा रहना है आपको भाई, हाँ भाई, यू जस्ट हैव टू लिव फॉर 2-3 ईयर्स एंड देन यू हैव टू लेट टाइम डू इट्स वर्क। ये देखिए चूतिया लैरी ग्रीन भाई, क्रश को ब्लॉक किया था स्वैग दिखाने के लिए, लेकिन अब मैसेज करने गया तो उसने कर दिया मेरे को ब्लॉक। क्या सर भाई, मैं तुम्हारे को बताता हूँ, तुम लोगों ने अगर हायर ग्राउंड ले लिया है ना किसी को ब्लॉक करने के बाद, वो हायर ग्राउंड दिया मत करो, क्योंकि फिर उसको लगता है अब आया मेरा चांस बदला लेने का। और भाई तुम ये मत सोचा करो कि इसको ब्लॉक करने से कुछ मिलेगा, नहीं मिलता तो है मिलता तो है, एक हायर ग्राउंड मिल जाता है, अबे तू है कौन, मेरे को नहीं देखनी तेरी शक्ल। और उस बंदी को भी लगता है फक भाई ये क्या है, ये कैसे मेरे को कैसे ब्लॉक कर दिया भाई, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, यू आर रेंट फ्री इन हर माइंड। फिर तुम जाके वापस उससे बात कर रहे हो, फिर बोलते अब तू देख, फिर वो बदला लेते हैं भाई लोग, नहीं लेना होता। अगर तुमने कोई डिसीजन ले लिया है स्टिक टू इट, सुन मेरी जान, जस्ट से आई लव यू भाई, मेरे जीजा जी ने मुझे चूड़ियाँ पहनने को कहा मेरे घर वालों के सामने, और मैं कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, जब से ये हुआ आई जस्ट वॉन्ट टू फॉरगेट। बायोलॉजी एन के शर्मा Does it have to do something with the fact that your name is Biology N.K. Sharma? नहीं नहीं भाई, मैं इंट्रोवर्टेड हूँ तो लोग मेरे को चूड़ियाँ पहना देते हैं, ये क्या मतलब हुआ भाई? जीजा जी कैसे से हैं ये तेरे भाई? इसका जीजा आता बोलता है, जीजा जी को बोलो जीजू नो नो नो, ऐसे बैठ जाता है इसकी इसकी बहन को ऐसे पकड़ के, च
चल चूड़िया पहनी हो चूड़िया पहनी देख देख भाई देख बहन वाली बात भाई कॉलेज की सिफारिश में सब सेविंग्स लग गई, फीस के पैसे कैसे इकट्ठे करूं। एक्सप्लॉइट तो इतना कर रहा भाई, तो कर लेना दो चार भाई। फीस के पैसे कैसे इकट्ठे ये तो अब बस भाई मैं बता दूं, आपने ना आपने पूछने के लिए पूछ आपने रहा है ना, आपने ना कुछ नहीं करना। आपका एक होता है फैकल्टी वॉशरूम जहाँ पे प्रिंसिपल जाता है मुतने एक आता है कैमरा फोन वाला, ठीक है, जो फोन पे होता है कैमरा। आपने कुछ नहीं करना, बाथरूम में जाके बस वो कैमरे मतलब फोन रख वो पेन रख के आ जाना है, ठीक है। कहाँ रख के आ जाना है पेन भाई, मतलब वही पॉट वॉट के आसपास में ये वो करते हुए। और फिर क्या होगा सर? देख लो सर, मेरे पास पैसे नहीं है सर आने के। और फिर बोलेंगे ओके यू आर आउट ऑफ द कॉलेज। और फिर मैं बोलता हूँ सर ये जो पेन है ना ये लीक कर रहा है थोड़ा सा, सर ये मेरा जो पेन है ना ये थोड़ा इंस्टाग्राम पे लीक कर रहा है थोड़ा सा। तेरे समझ नहीं आया पेन में वीडियो कैमरा है ना। अच्छा ओ फक गऊ आदमी, वो सुना नहीं मैंने वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया। ब्रो माल फूकना छोड़ना है कैसे करूं बताओ भाई पापा, बिकॉज यू हैव बीन सोबर नाउ फॉर लाइक व्हाट 2 इयर्स हो गया थोड़ा सा टाइम है ना। हाउ डिड यू स्टॉप? मतलब आई वुडंट से स्टॉप, अभी भी बहुत कम कम होता है, बट जितना पहले होता था अब तो बहुत कम हो गया है भाई, अब तो ओकेजनली हो गया है भाई। एक पॉइंट के बाद ना इट्स जस्ट लाइक कि बोर हो जाते हो आप। हाँ आई थिंक यू रियल, अगर तुम ज्यादा जिंदगी में वेले हो ना तो फिर तुम्हारी ज्यादा डिपेंडेंसी, बिजी हो जाओ, जिम जाओ, इधर उधर घूमो, काम करो दिन के 5-6, अपने आप टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी भाई ये वही बात है कि खाली इंसान सोचता है कि मेरे को बैठ के हिला लेना चाहिए और मतलब वही खाली शैतान। एक बंदा बोल रहा है अगर प्रिंसिपल मैम हुई तो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। अच्छा ये भी ठीक है ना, सॉरी मैंने सोचा होगा हम लड़की हैं तो मैं जब प्रिंसिपल सर के रूम में गई थी ये करके तो स्कूल कर लिया, पूर्व कॉलेज वाले स्कूल ऑलरेडी बदनाम है। अच्छा 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 क्रिएटर भाई, बढ़िया भाई बढ़िया। हाँ डू इट फॉर इट, आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो भाई। बट मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, मैं अगर किसी बंदी को देखता हूँ जिसकी एस थिक है कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये तो आता है ब्रो फक ब्रो डैम आई'd लव टू गेट दैट, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है बैंचू ये हगती होगी भाई ये तो हगती होगी भाई, दिस वुमन टेक्स अ शिट भाई, ये तो हगती होगी भाई, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये ना हगती हो। पता है ब्यूटीफुल पार्ट क्या है? हाँ मैं बताता हूँ, उसके बाद भी दिला मन करता है उसके साथ गेट टुगेदर करने का। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि इट्स लाइक लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, दिस मैन हैज अ शिट अफिनिटी। नहीं आई वुडंट से शिट अफिनिटी, मतलब इट्स लाइक कुछ तो है इट्स मैंने भी नहीं देखा है वो, पर कुछ तो है ब्रो। हाँ भाई मतलब टट्टी रिवॉल्व करती है कम ऑन मैन, व्हाई यू गॉट डू मी लाइक दैट, कुछ तो है भाई। हाउ टू डिफीट फ्रेंड इन ऑनलाइन? इन ऑनलाइन क्या? वही तो मेरे को समझ नहीं आया, ऑनलाइन सेक्सटिंग में अपने भाई को कैसे हराएं? तूने कभी करा है सेक्स? हाँ ऑफ कोर्स, ओमेगल उसी के लिए तो होता था। कभी मजा आया तुझे सेक्स करने में? नहीं यार, क्योंकि भाई मतलब एक तो चीज होती है सेक्स्ट करने में, मतलब यू कैन नॉट जैक ऑफ व्हाइल यू आर सेक्सटिंग राइट, मतलब एक आदमी ऑटो करेक्ट आदमी को कितना ही बचा लेगा। प्लस पता नहीं मतलब मेरे को तो कभी कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ में इतना। हां आई हैव ओनली डन इट एज अ स्टेप क्लाइंबिंग टुवर्ड्स द रियल डील। हां मैं मतलब मैं ऐसे ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो ककोल्ड्री में बिलीव करते हैं, बट बहुत पहले पहले स्टेजेस में करते हैं ककोल्ड्री में बिलीव। ककोल्ड्री में भाई ककोल्ड्री कैसे वर्क कैसे करती है वो, मतलब व्हाई डू पीपल लाइक इट, क्या साइंस क्या है उसकी? साइंस मैं बताता हूँ, सबसे पहला साइन क्या होता है ककोल्ड्री का, वो क्या करते हैं अपनी बंदी के व्हाट्सएप पे वॉलपेपर लगाते हैं अपना और उससे बोलते हैं कि अब जाके लड़कों से सेक्स्ट करो। अच्छा क्या? हाँ कि मतलब जब वो सेक्स्ट कर रही होगी तो उसकी बंदी देख रही होगी वॉलपेपर में कि उसका बंदा ऐसे खड़ा है, ये दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ ककोल्ड्री। सेकंड इज कि मतलब
ये सब कहाँ देखा तूने? देखा नहीं है, मेरे को पता चला है भाई, ये होता है, दिस इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट, रेडिट पे इसके बारे में बहुत बातें होती हैं भाई। देख मैट्रिक्स एस्केप करना है, कैसे करूं? भाई मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, कैंसल पप्पा ब्रो, क्यों करें हर बात पे? नहीं कर दो हर चीज में, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल कर दो भाई, कर दो, जो आदमी उठाई नहीं उसको कैंसिल कैसे करोगे? कर दो भाई, कर दो भाई, उठ जाऊंगा मैं उसी बहाने, कर दो भाई, प्लीज प्लीज कैंसिल मी। ठीक है अर्पित कक, भाई मैं तो नहीं हूँ कक, मेरे से नहीं होता बर्दाश्त भाई। मेरे साथ में तो ऐसा सीन होता है कि अगर कोई बंदी, मतलब मैंने ना, मेरे साथ में ना ये चीज है, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा मेंटली समझ में नहीं आया मेंटली कैसे काम कैसे करता है वो। रुक तो, मतलब व्हाई डू पीपल फाइंड दैट अट्रैक्टिव, कि मतलब ब्रो टू व्हाई वुड यू वांट टू सिट देयर एंड वॉच दैट भाई? आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, इट्स लाइक कि पॉर्न एडिक्शन होती है क्या उन्हें? नॉट पॉर्न, कि मेरे अब मैं अब तक मैं फोन पे देखता आ रहा था, अब मैं अपने सामने देख रहा हूं, इट्स लाइक वो होता है क्या? गिव मी अ गुड शो, what the fuck भाई, मुझे नहीं पता, why are you fucking, मैं इस चीज को डिफेंड, तो मेरे को भी नहीं पता भाई कैसे। तूने बोला कि मैं साइंस समझाता हूं, फिर तूने तो समझाया। मैं नहीं, मैं तेरे को समझाता हूं साइंस क्या होता है ककोल्ड्री का, how it starts, it first starts with कि मेरी कि it first starts with कि babe, मेरा एक दोस्त है उसका नाम है पप्पा, ठीक है, हेलो पप्पा, पप्पा हेलो, ये तो पापा, आई वाज थिंकिंग यू नो स्पाइस थिंग्स अप मेरे रिलेशनशिप, अच्छा, एंड माय गर्लफ्रेंड इज लाइक कि मेरे को थ्रीसम करना है, नहीं बोला उसने, नहीं बोला उसने, वुड यू लाइक टू फक माय वाइफ, दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स, मेस्ड अप, आई नो, हाउ टू गेट यूएस ग्रीन कार्ड इजीली, आई डोंट नो I love my crush, but she blocked me since 1 year. I don't know why she, in 5 minutes, in 5 minute chat, acha, how to chat, start a conversation with her and express my, bhai, agar kisi ne kar diya block, to just accept na ki wo nahi karna chahta baat. Bhai, koi puch raha hai ki maine sahi mein music chhod diya kya? Ek baar bata de bhai. भाई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अगर करी तो फिर लोग बहुत हंसेंगे, पर ये तो बता पहना क्या है? क्यों हंसेंगे? क्यों? एक्स की याद भी आती है पर रिवेंज लेने का भी मन करता है. नहीं छोड़ा भाई, हेलो व्हाट द फक, तू उनको पूरा बता ना कि हुआ क्या था भाई. 1 अप्रैल था, होना क्या है? अच्छा तो तूने 1 अप्रैल की वजह से ऐसा तहलका ड्रॉप कर दिया और बताया भी नहीं कि अप्रैल फूल्स था. ये बताना थोड़ी होता है 1 अप्रैल को कि अप्रैल फूल्स है, बताना होता है, दैट्स द होल पॉइंट. मतलब ऐसा नहीं होता अप्रैल यार, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने आप भी समझ लिया था, बस थोड़े बहुत ही हैं जिनको अब तक लगता है. नहीं तेरे को बताना होता है, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ अप्रैल. इफ अ जोक कंटिन्यूज आफ्टर अप्रैल, उसके बाद मैंने स्टोरी, इट्स नॉट अ जोक, मैंने उसके बाद एथिकली, मैंने उसके बाद स्टोरी शेयर करी थी भाई अप्रैल फूल्स. नहीं नहीं भाई, अप्रैल फूल्स के एथिक्स के अगेंस्ट है ये. यू कुड बी अरेस्टेड फॉर दैट भाई. मेरे को तो इतना बुरा लगता है ना भाई, बाय गॉड किसी दिन किसी बंदे का बाप मर जाए अप्रैल 1 के दिन भाई. लोग बोले भाई मेरे यार मेरे पापा मर गए, और उसके सामने जो बंदा है वो बस ऐसे साइक. मेरा बहन नहीं हो गया. हाँ अब सही, अब आ रहा है, अब आ रहा है, फिक्री फिरकी, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा. अच्छा, बीच में वो हिल गया था कंप्यूटर. ठीक है भाई, सॉरी, अब आ रही है आवाज़ भाई, माय बैड. हम कह रहे थे आर यू HIV अलादीन और आर यू HIV अलादीन, पर पूरा जोक रुइन हो ही गया. हाँ रुइन हो ही गया, कोई नहीं, माज में react to Ambakutam, पता नहीं भाई वो क्या है, I don't want to. Ambakutam पता नहीं भाई, तब से बार बार. हाइट कितनी है दोनों की भाई? I am 6'5". I don't know about Bappa. Do you want to be honest about your height, or do you want to be like a cool guy? I am 4'6". Oh. Bappa. No, I am 4'6". Oh. No, I am 46. Oh. 46.
ठीक है भाई, 46 ब्रो, 46 45, अर्पित 65, बप्पा 69, ठीक है भाई खड़े हो। नहीं भाई एक्चुअली ना मैंने चड्डी नहीं पहनी है तो मेरा डिक प्रिंट दिख रहा है भाई। एक ना जिम में बंदा आता है भाई, बिल्कुल टाइट टाइट पैंट पहनता है भाई और अच्छी खासी बॉडी है, पर भाई उसका ना एकदम छोटा सा ऐसा डिक प्रिंट दिखता है भाई, पूरा डेडलिफ्ट करते हैं और वो शर्ट भी ऐसी पहन के आता है, इतना अजीब लगता है ना भाई। मतलब मुझे लगता है कि ब्रो वी गेट इट, यूर ट्राइंग टू कॉम्पनसेट, क्या है ये भाई, इसके ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट्स पहन ले भाई, नहीं अच्छा लग रहा मुझे। तू एथलेटिक सपोर्टर्स पहनता है? नहीं मेरे को नहीं पहनने की जरूरत, मेरा मेरा कोर अच्छा खासा है भाई, मैं इतना ज्यादा हार्ड नहीं पहनता कि मेरे को जॉक स्ट्रैप पहनने की जरूरत पड़े। नहीं पर वो मेरे ख्याल से बॉल्स के लिए पहनते हैं ना। हाँ मेरे को नहीं पहन, मैं इतना हैवी उठाता ही नहीं कि मेरे को वो सब पहनने की जरूरत। अच्छा हैवी उठाने पे पड़ती है? हाँ कितने उठाने पे मतलब, और उसमें बॉल्स का क्या रिलेशन होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि मतलब हर्निया हो जाता है लोगों को, कि मतलब हाँ वो उसकी वजह से करते हैं लोग। क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, होता है भाई ये। मेरे घर वाले बोल रहे हैं नीट कर ले, आई जस्ट वांट, आई ऑलरेडी वेस्टेड वन ईयर ऑन इट, आई डोंट वांट टू वेस्ट अनदर ईयर, व्हाट टू डू, टेल देम भाई, पापा ईयर नो वेस्ट, मी नो वेस्ट नो ईयर। ये तो है भाई, दिस इज वेरी ट्रू। पहले उनको पायरेट्स, पापा ये वो मत कर, वो लोग पहले उनको पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन दिखा, फिर उसके बाद बोल मी नो वेस्ट नो ईयर। पापा मेरे को एक्चुअली कैरेबियन में सेल करना है, मुझे जैक स्पैरो के साथ ब्लैक पर्ल में घूमना है, आई कांट वेस्ट अनदर। सोच भाई एक बंदा ऐसे निकल गया शिप पे नाव में, तुम्हें क्या करना है, आई वांट टू फाइंड द ब्लैक पर्ल, आई वांट टू फाइंड द ब्लैक पर्ल भाई। ओ भाई द पर्ल, आई एम आफ्टर द पर्ल। एक काम करो, मेरी किसी सुपर चैट का रिप्लाई तो किया ढंग से, बट प्लीज डू भाई, पंखा लगवा ले कमरे में भाई, लगा हुआ है यार, ऐसे तो मत कर भाई, चल भी रहा है। हाँ चलो भाई चले क्या? हाँ भाई बंद करते हैं, बंद करते हैं, लेट्स एंड द स्ट्रीम, बाबा।